भाई मान लिया कि MHA ने परमिशन दे दी हो CBSE, ICSE और अदर स्टेट बोर्ड्स को कि आप अपने बचे हुए एग्जाम्स कंडक्ट करा लीजिए, लेकिन इस लॉकडाउन में एक लंबी लिस्ट दी है उन्होंने कि अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है आपको इन कंडीशंस पर एग्री करना पड़ेगा, मतलब इन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम लेना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो नई एग्जाम डेट शीट रिलीज हुई है 1st जुलाई टू 14 जुलाई के बीच में आपके बचे हुए एग्जाम्स ले लिए जाएंगे उसकी गाइडलाइंस के बारे में। क्या आपको पता है कि कौन से गाइडलाइंस हमें फॉलो करने होंगे एग्जाम सेंटर पर, हमें एग्जाम के पहले क्या पता होना चाहिए अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं? एक्चुअली में तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे यार। दिस इज प्रेम पांडे एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जिन्हें इन बारे में बिल्कुल पता ना हो उन्हें मैं बता दूं यार कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के CBSE बोर्ड के साथ अदर बोर्ड्स के भी एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू डेली रॉयट्स और COVID-19 पैनेडमिक के आउटब्रेक की वजह से, लेकिन CBSE और अदर बोर्ड्स ने अब अपने डेट शीट रिलीज कर दिए हैं कि वो अपने बचे हुए एग्जाम्स कब लेंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं CBSE की बात करूंगा क्योंकि CBSE ने जस्ट अभी अपनी नई डेट शीट रिलीज की है 1st जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हमारे जो बचे हुए मेन 29 सब्जेक्ट्स के एग्जाम है वो ले लिए जाएंगे। ये बात क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के मिला के हो रही है कि दोनों को मिला के ये 29 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। ऑल इंडिया क्लास 10th के लिए कोई भी एग्जाम्स नहीं बचे हुए हैं, बट फॉर क्लास 10th जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ सब्जेक्ट लिस्ट इशू किया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका कौन सा एग्जाम रिमेनिंग है या कौन सा एग्जाम फिर से होगा तो मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई है, वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि MHA ने कौन कौन सी गाइडलाइंस इशू की है कि CBSE को अगर एग्जाम लेना है, अदर बोर्ड्स को अगर एग्जाम लेना है, तो इन बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात एग्जाम सेंटर की होगी यार। अब हमारा एग्जाम सेंटर कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर इशू नहीं करेगी CBSE, दैट मींस हमारा होम सेंटर होगा, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में हमें एग्जाम देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपका स्कूल कोई ऐसे एरिया में आ रहा हो जो हॉटस्पॉट एरिया हो पहले से ही, या वहां पर COVID-19 के जो इंफेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो, तो आपका उस स्कूल में एग्जाम नहीं होगा। इसलिए आप अपने स्कूल स्टाफ या अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनके जो एग्जाम्स हैं वो कहाँ और किस स्कूल्स में होंगे। तो सबसे पहली बात एग्जाम सेंटर की थी यार, जो क्लियर हो गई कि हमें बाहर एग्जाम देने नहीं जाना है, अपने खुद के स्कूल में देने जाना है। लेकिन अगर हमारा स्कूल इस एरिया में पड़ता है जहां पर हॉटस्पॉट एरिया हो, तब हमें अपने स्कूल फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि हमें कहाँ एग्जाम देने जाना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार कि वेयरिंग मास्क इज मैंडेटरी फॉर टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। आपके जो स्टाफ हैं स्कूल के, आपके टीचर्स हैं, आप खुद जो एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पेरेंट्स अगर आपको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि CBSE ने एक गाइडलाइन दिया है कि हमारा मुंह और हमारा नाक नोज कवर होना चाहिए, मतलब हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में हैंड सैनिटाइजर भी ले जा सकते हो। हालांकि हमारे जो एग्जाम सेंटर है वहां पर CBSE की तरफ से हैंड सैनिटाइजर पहले से ही मौजूद होगा, तो हमें एग्जाम सेंटर में अंदर जाने से पहले हमें पूरी हमारी हैंड सैनिटाइजिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, एग्जाम देते समय हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। दैट मींस कि एक सीट पर हो सकता है एक स्टूडेंट या लंबी सीट है तो दूर दूर एक मीटर के डिस्टेंस पे कम से कम बच्चों को एग्जाम दिलाया जाएगा। यहां तक एक नॉर्म्स आई हुई थी यार कि कितने बच्चे एक रूम में रह सकते हैं, तो 6 से 12 बच्चे, वो रूम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि रूम आपका कितना बड़ा है, रूम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप 6 रहोगे 8 रहोगे 10 रहोगे कि मैक्सिमम 12 रहोगे, ठीक है। इन चीजों के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यार कि अगर आपको कोई इलनेस है, अगर आपको फीवर है, आपको कॉमन कोल्ड है, या ऐसी कोई भी सिम्पटम है जो हमारे COVID-19 के सिम्पटम्स में आती है, तो आपको पहले ही स्कूल स्टाफ को इन्फॉर्म
करना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पेरेंट्स के खिलाफ FIR तक दर्ज हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है कि अगर आपको कोई भी इलनेस है या आपके कोई भी ऐसे लोग को इलनेस है जिनके कॉन्टैक्ट में आप होके आए हो, तो आपको स्कूल स्टाफ को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी यार, और जो भी और इंस्ट्रक्शन, जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे एडमिट कार्ड के साथ हमारे एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे। एग्जाम का टाइमिंग हमारा वही है, हमें 10 बजे एंट्री मिलेगी, 10:15 तक हमें कॉपी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हो जाएगा, 10:15 पे हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 10:30 तक हमें उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का टाइम मिलेगा, फिर 10:30 बजे से हमारा एग्जाम, और 1:30 पे एग्जाम ओवर, जो ऐसा होता आया है। और बाकी कोई भी अगर चीज है तो स्कूल स्टाफ, आप जहां पर भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।